हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम एक लास्ट अपने टॉपिक पे आ चुके हैं रिवीजन लेक्चर के। हमने सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, रियल एनालिसिस हो, ग्रुप थ्योरी हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर अलजेब्रा हो, सारा कंप्लीट कर लिया हमने और सारे नोट्स भी पहुंच चुके हैं ग्रुप में। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस का। वैसे इंटीग्रल कैलकुलस का ना लेक्चर देखो बनता नहीं था, फिर भी जैसे तैसे करके कहीं कहीं से मटीरियल ला ला के खुद से बना के लेके आए तुम्हारे सामने रिवीजन लेक्चर, ताकि इसकी भी करा सके। क्योंकि यार इसमें ना ये प्रैक्टिस मांगता है, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे, इसमें ज्यादा याद करने की कोई चीज नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू सा दे दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूला अपने दिमाग में रखने हैं, कि लेबनीट्स थ्योरम क्या होती है, इनडेफिनिट के कुछ फॉर्मूलाज, डेफिनेट के कुछ फॉर्मूलाज, बीटा इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज, फिर हमारे पास वैलीज फॉर्मूला होता है। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो एक बार रिमाइंड हो जाएंगी। छोटा सा ही लेक्चर होने वाला है और मजा बहुत आने वाला है यार, मुझे तो, मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हमारा एक बड़ा ही खूबसूरत, सुंदर, सुशील सा लेक्चर है इंटीग्रल कैलकुलस पे। तो इंटीग्रल कैलकुलस की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज इनडेफिनेट पे आते हैं, तो हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कभी तुम डबल इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो या ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो, तो या फिर आर्क लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ गई, तो यहां से देख लेना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, मेरे को पता है ये बेसिक चीजें तुम्हें पता भी होंगी, बट फिर भी मेरा फर्ज है यार, बड़ा भाई हूं तो बताना जरूरी है यार। तो इन सब्स्टिट्यूशन को यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको वीडियो पॉज करके ध्यान से एक नोटबुक में नोट कर लेना। अपने बनाए हुए नोट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, मेरी स्टेटमेंट है, हमेशा बोलता हूं मैं कि देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ अपने नोट्स, ठीक है। वैसे इंग्लिश हिंदी मिक्स करके सेंटेंस बनाना पड़ा है, बट कोई बात नहीं। अब दो में यहाँ पे अलग सी प्रॉप, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो साथ में वन लगा लो, बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मान लो एफ एक्स डिवाइड बाय जी एक्स की पावर एन आ गया, लोग एक्स की पावर एन आ गया, तो क्या करोगे, पहले उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर उसमें यू इन टू वी वाला रूल लगा देना, ठीक है। चलो आगे चले हैं। एल्जेब्राइक इंटीग्रल्स हमारे पास कौन से होते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के रूल्स, ये भूल जाते हैं यार सारे स्टूडेंट्स, है ना। कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम बहुत आगे पहुंच गए इंटीग्रल कैलकुलस में और बेसिक फॉर्मूला भूल जाते हैं। डबल इंटीग्रेशन में मान लो ऐसा आ गया, टू यहां पे आ गया थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, और भूल गए भैया इसकी इंटीग्रेशन कैसे थी, तो वो याद रखेंगे। हाँ, तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का आ जाए तो उसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, और ये हमारे पास कुछ और भी फॉर्मूलाज दे रखे हैं, बोलने से क्या होगा, रिपीट करने, मतलब रिपीट नहीं, तुम्हें नोट करने इसको एक जगह पे, और इसको लगभग हर दिन पढ़ना, अल्टरनेट डे पे पढ़ लो, हर दिन पढ़ोगे तो थोड़ा बोर भी हो जाओगे, हर अल्टरनेट डे पे पढ़ लो, अल्टरनेट डे पे, कि मैं इसको रीड करूंगा रीड करूंगा रीड करूंगा, एक दिमाग में छप जाएंगे, देखना 10 दिन के बाद, 10 दिन जैसे तुमने इस पे बिता लिया एकदम दिमाग पर छप जाएगी, और फिर आएगा तुम्हें मजा बहुत ज्यादा। बात आ रही है क्या समझ में, पक्का? चलो आ जाओ आगे चलें। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना है, और उसके बाद थोड़े से और फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी हमारे पास ऐसी इंटीग्रेशंस आ जाती है, इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इस पे मैं पूरे डेडिकेटेड लेक्चर बना चुका हूं, पता है तुम्हें, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक तो जरूर मिल जाएगा तुम्हें, उसमें जाके तुम डेफिनेट इनडेफिनेट, बीटा इंटीग्रल, गामा इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, चेंज ऑफ वेरिएबल, ट्रिपल इंटीग्रल, और डिरिचले थ्योरम पे ढेर क्वेश्चन बना रखे यार मैंने, क्वेश्चन भी सॉरी वीडियो बना रखे मैंने, और उसमें ढेर क्वेश्चन ले रखे हैं, तो वहां पे जाके इन आइडेंटिटीज का यूज देख लेना, बट अभी के लिए पॉज करके इसको नोट कर लेना अच्छी तरह। कर लिया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक दो और भी आइडेंटिटीज हैं, ये सारी मैं तुम्हें एक जगह लिख के दे दी ताकि तुम्हें इधर उधर घूमना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े इस चीज को, ठीक है। आगे चलते हैं मेन अपनी चीज पर, डेफिनेट इंटीग्रल्स पे। यहां पे बताने वाली बातें बहुत सारी हैं, मुझे इधर उधर घूमने के बाद कुछ नहीं मिला, तो मैंने खुद से लिखने की ट्राई की है। जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहती है कि अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वैसे यार ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, मैं चाहूंगा इस पर ध्यान ही मत दो, ऑल्दो मैं लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए कि एक बार आंखों के सामने से आ जाए तो अच्छी बात होती, बट इससे ज्यादा तुम्हें फोकस देना रीमान इंटीग्रल के डेफिनेशंस पे। बात समझ आ रही है, एक फंक्शन में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है रीमान इंटीग्रल में, रियल एनालिसिस में एंड में जाओगे रीमान इंटीग्रल आएगा, वहां सिखाई थी ये चीजें। तो रीमान इंटीग्रल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी साल इंक्लूड हुआ जैम में, बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा यार। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमारे पास है, उसके बाद चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती है कि मान लो इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक हमारे पास हमें करनी पड़ जाए, सच दैट एफ ऑफ जी एक्स, और साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है, नहीं समझ आया? जैसे मान लो ऐसे साइन साइन एक्स और साथ में पड़ा हुआ कॉस एक्स डी एक्स,
तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट को, वो जो ए और बी लिमिट दे रखी थी ना, सिंपल क्या करो यहां पे फर्स्ट लिमिट पुट कर दो जो फंक्शन वो कंपोजिशन में फंसा हुआ था, और सेकंड लिमिट पुट कर दो, मतलब उसको लिमिट बन, न्यू लिमिट्स चेंज कर दो, न्यू लिमिट्स बना दो ए और बी को रिप्लेस करके ऐसे। इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करनी है ने। मान लो हमारे पास एक इंटीग्रेशन दे रखी है तो ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी का यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका यूज इतना ज्यादा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैंने तुम्हें यूज करके दिखाई थी, और इससे बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज को एक बार ध्यान रखना, बढ़िया। उसके बाद हमारे पास है मान लो 0 से लेकर 2a तक दे रखे, तो मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक करके लिख सकता हूं, और जो मैंने पीछे अभी फॉर्मूला तुम्हें दिखाया था वैसा ही लगभग कुछ फॉर्मूला यहां पे भी तुम्हें दिखाई दे जाएगा, बट इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड, दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ जाता है कभी कभी, तो वहां पर ये यूज में आ जाएगा, ठीक भैया। तो ये चार हमारे पास प्रॉपर्टी है, दीज आर वेरी एसेंशियल, इन पे क्वेश्चन करोगे तभी बात बनेगी, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखी ए से लेके ए एन पी तक, तो तुम सिंपल क्या कर सकते हो, सिंपल शॉर्ट ट्रिक ये होगी कि तुम क्या करो, ए से ऐसे, मतलब अच्छी बात नहीं, बट ए से ए को काट दो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ए से ए को काट दो और एन बाहर आ जाएगा, या हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसी कुछ बन जाएगी, ठीक है। ऐसी ये नेक्स्ट में अगर तुम देखोगे तो एन माइनस एम बाहर आ जाएगा, जीरो से पी तक इंटीग्रेशन बन जाएगी, इंटीग्रेशन थोड़ी आसान हो जाती है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, बस ये ध्यान रखना एफ एक्स क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए विद पीरियड पी, ऐसे नहीं किसी भी फंक्शन में उठा के ये लिख दिया, ऐसा थोड़ी होता है, ये सिर्फ तभी वैलिड होंगी प्रॉपर्टीज जब एफ इज पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो एक टाइम के बाद रिपीट कर, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। fx is a periodic function with period p, then फिर से periodic function है तो हमारे पास इन दोनों का general point एक यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। np से np हमारे पास कट जाएगा, a से ये b लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं एक बार, ये b लिखा हुआ, एक मिनट रुको यार, ये b लिखा हुआ, ठीक, b प्लस np, यहां तक हमें बात समझ आ गई है। उसके बाद कुछ अप्रोक्सीमेटिंग फॉर्मूलाज है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता, इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा भयानक से आ गई है, क्या करोगे, नहीं भैया फिर तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके आसपास की इंटीग्रेशंस भी अगर तुम्हें पता हो, जैसे मैंने तुम्हें कराया था इंप्रोपर इंटीग्रल में, याद है इंप्रोपर जब मैंने बताया था, तो इंप्रोपर में कराए थे कुछ मेथड्स, वहां से तुम इसके अप्रोक्सीमेशंस निकाल सकते हो, कि जो गिवन इंटीग्रल है मैं उसके एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये इसके और इसके बीच में एग्जिस्ट करेगी, तो उससे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमसे रैंडमली पूछ लूं स्क्वायर रूट ऑफ 17 बताना, तुम कहोगे भैया पता नहीं, बट वो 4 और 5 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, बस वैसे ही कुछ बोलना चाह रहा हूं मैं। और ये हमारे पास दे रखी ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आ रही, तो मैं रीमान इंटीग्रल में सारी करा चुका हूं, है ना, इससे तो बहुत डीप गए थे हम रीमान इंटीग्रल में। डेफिनेट के बाद हमारे पास थोड़े से और पॉइंट्स आते हैं डेफिनेट में, जैसे लेबनीट्स थ्योरम, अगर मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करनी पड़ गई तो क्या करोगे, मतलब तुम्हें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ गई, ऐसे दे रखा 0 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 5, और तुम्हें कहा एफ ऑफ 5 की वैल्यू बताओ, एफ 5 की वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे, तो ऐसी चीजों में लेबनीट्स थ्योरम, इस पे पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर भी है हमारे पास, बट ये यहां पे थ्योरम करके दिखा रखी है। अगर मान लो ये सिर्फ टी का फंक्शन होता, अगर सिर्फ टी का फंक्शन होता तो ये पार्ट 0 हो जाता, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हमारे पास एक्स का फंक्शन होता नहीं है, है ना, तो ये पार्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में खत्म हो जाता है, बचता क्या है ये, मतलब तुम्हें क्या करना है, अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन और अपर लिमिट फंक्शन में पुट कर दो टी की जगह, फिर लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन यहां पे है, लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन और लोअर लिमिट पुट कर दो फंक्शन में, और बीच में नेगेटिव का साइन। ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन पर करना है, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये f जो है x का भी फंक्शन हो, अगर t का ही फंक्शन है फिर तो ये हट ही जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा, और मैक्सिमम केसेस में होता भी यही है, जैसे मैंने यहां पे दिखा रखा तुम्हें, है ना, अगर सिर्फ t का फंक्शन है तो वो पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट हट गया, सिर्फ यही रहेगा, और यही हमारे पास मेन चीज थी, ठीक है। दो मैंने और आइडेंटिटीज दे रखी है, इसको ध्यान से रीड कर लेना, अभी अभी इसको एक्सप्लेन भी किया कि एफ ऑफ एक्स मान लो ये दे रखा है और तुम्हें एफ डैश एक्स की वैल्यू पूछ ले तो ऐसे निकालते हैं, मतलब फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी पड़ता है, इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करनी पड़ता है, ऐसे होती है, बात मेरे ख्याल से समझ आ रही होगी। उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क के कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास दे रखे हैं, जैसे मान लो तुम्हें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, तो ये बन जाएगा रूट में 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर dx, ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। लेकिन अगर तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी, पैरामेट्रिक मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ t और y एज अ फंक्शन ऑफ
टी ऐसा कुछ दे दिया तो क्या करेंगे, तो हम उसको डी टी से डिवाइड और डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा कुछ हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। फिर टी लिमिट्स किसकी आ जाएंगे, हमारे पास टी की लिमिट्स आ जाएंगे। ऐसे हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, वाई को रिप्लेस कर सकते हैं, यहां पर मैंने करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है, बढ़िया। जैसे मान लो अगर तुम्हें थीटा की लिमिट्स दे रखी हैं तो कुछ ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला, और अगर तुम्हें आर की लिमिट दे रखी है तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन देखने में कुछ ऐसा होता है, एक्स की पावर एम 1 माइनस एक्स की पावर एन। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बट इसकी जो सेकंड फॉर्म है ना, बीटा इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इसको फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं, बीटा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं। इसकी जो सेकंड काइंड है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी दिखाता हूं। अच्छा, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब अगर तुम बीटा एन एम भी लिख देते तो बात एक ही होती, मतलब अगर यहां एन लिख दो यहां एम लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी सेम आएगा। लिमिट ध्यान रखना जीरो से वन होती है, ठीक है, एम एन ग्रेटर देन जीरो होंगे। छोटी छोटी चीजों पे भी क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे गामा फंक्शन की भी हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, गामा फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा देखने में होता है, और बीटा और गामा में रिलेशन ध्यान रखना, क्योंकि बीटा की वैल्यू कभी कभी डायरेक्ट हमें नहीं पता होती, कभी कभी क्या पता ही नहीं होती बीटा की, तो यहां से निकालते हैं बीटा की गामा के टर्म्स में, ठीक है। अब गामा ओपन कैसे होता है, गामा ओपन होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल, एक कम ओपन होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे जैसे मैंने यहां पर लिख के भी दिखाया, एन माइनस वन, फिर n माइनस वन को लिखोगे n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, अप टू सोन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास वो इंटीजर हुआ तो सिंपल ऐसे लिख देंगे n माइनस वन फैक्टोरियल, इंटीजर ना हुआ तो हम ऐसे लिख पाएंगे। गामा ऑफ वन की वैल्यू लिखी है वन, गामा ऑफ जीरो की वैल्यू इंफिनिटी, ठीक है, गामा ऑफ जीरो की वैल्यू इंफिनिटी, समझ आ गए ना, हाँ। गामा ऑफ नेगेटिव n जो भी, मतलब नेगेटिव नंबर का जो भी होगा वो इंफिनिटी ही होगा। मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं लेकिन अभी के लिए इसको स्किप करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये गामा ऑफ वन बाई टू हमारे पास क्या होता है, रूट पाई, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज ही यही होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है गामा की। गामा इंटीग्रल अगर तुम्हें ऐसे भी दिखाई दे सकता, मतलब मान लो तुम एक्स को पुट कर दो लॉग वन प्लस वन बाय वाई, तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गामा इंटीग्रल, तो ये फॉर्म भी है इसकी एक एक। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाली, ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है, कि मान लो तुम्हें e की पावर ना दे दी, e की पावर में माइनस के लैम्डा x दे दिया, तो नीचे आ जाता है लैम्डा की पावर n ऑल्सो, ठीक है। बस यहां रखना, याद क्या रखना है तुम्हें, y की पावर क्या दे रखी है, n माइनस वन, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, y की पावर क्या दे रखी है, ठीक है, बढ़िया। जो भी y की पावर दे रखी हो पहले उसको n माइनस वन के टर्म्स में दे दो, लिख दो। जैसे मान लो तुम्हें कहा है वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई डी एक्स, और जीरो से लेके एक्स तक, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट बस, हाँ हाँ अब ठीक। जीरो से लेके मान लो एक्स तक दे रखी ई की पावर माइनस के सी वाई, और वाई टू दे रखा डी वाई, पहले तो इस टू को लिख लो थ्री माइनस वन, और फिर फाइनल आंसर क्या आएगा, गामा ऑफ थ्री, मतलब टू में एक वन प्लस कर दो, या बीटा इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना है तो उसको एन माइनस वन लिखना पड़ेगा, बात एक ही है, और नीचे आएगा सी की पावर थ्री, ऐसा कुछ, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें थी, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज मैंने बताई है, बट इससे बहुत ज्यादा एडवांस चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीटा इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की भैया आप बात कर रहे थे, तो वो ये रहा, ठीक है। और नीचे बता रखा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं वन बाय वन प्लस वाई से, तो उसकी सेकंड फॉर्म भी हमारे पास आ जाएगी, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो और भी ज्यादा तो नहीं कहूंगा, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो साइन की पावर पी क्यू आ गई और तुम्हें लिमिट जहां भी दिखे, तो इंटीग्रल सॉल्व करने मत बैठ जाना, तुम सिंपली गामा से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब अच्छी बात क्या है कि यहां पे ना, वैसे तो हमारे पास इसके दूसरे भी फॉर्मूलाज हैं, साइन थीटा की पावर कॉस थीटा की पावर, लेकिन वो इंटीजर में अच्छे होते हैं, जब इंटीजर पावर हो ना तब काम करते हैं वो। अगर इंटीजर पावर ना हो तो हमारे पास गामा इंटीग्रल का यूज करना पड़ेगा, हमें बीटा और गामा में कन्वर्जन देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ ली है, इसके बाद हमारे पास वैल्यूज फॉर्मूला आता है, जो मैं अभी बता रहा था ना कि जरूरी नहीं है हमेशा गामा वाले से ही करो, लेकिन गामा वाला तब यूजफुल आता है जब पावर हमारे फ्रैक्शन में दे रखी हो, साइन की पावर 1 बाय 2, 3 बाय 2, 7 बाय 2, तब ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर इंटीजर दे रखी हो तो वैल्यूज फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यूज फॉर्मूला हमारे को यहां पर दे रखा है। जैसे मान लो कॉस की पावर एन डी एक्स आ गया, या ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, इसकी तो इंटीग्रल की डायरेक्ट ही दे रखी है कि साइन की पावर वन आ गई और कॉस की पावर एन आ गई, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होता है, वन बाय एन प्लस वन, और बाकी का यहाँ पे दे रखा बीटा ऑफ एम एन के, ये दे रखा, मतलब ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दे रखा, जीरो से पाई बाय टू साइन की पावर एम थीटा
कॉस की पावर एन थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ दे रखा हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे है। अब डिपेंड करेगा कि mn अगर दोनों के दोनों इवन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है, इसमें लास्ट में पाई बाय टू भी आएगा, ठीक है। और अगर कुछ और भी है, मान लो एक इवन है एक ओड है, या दोनों ओड है, या पहला ओड है दूसरा इवन है, ऐसा कुछ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसमें पाई बाय टू नहीं आता एंड में। इसका यूज कैसे करना है ऑलरेडी बता चुके हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल में हमें दो चीजें पढ़नी होती है, चेंज ऑफ ऑर्डर और चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल में हमें जैकोबियन जैसी चीज समझनी होती है, दिस इज कॉल्ड जैकोबियन जे। अब मैं इसके ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाला हूं, बट हाँ ये चेंज ऑफ ऑर्डर चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर तुम्हें कहीं पे मिलने वाला है। सर्च करके देख लेना, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, YouTube पे जाके सर्च करना डबल इंटीग्रल बाय मैथ्सम, और तुम्हें ऐसा लेक्चर एक मिलने वाला है जिसे पढ़ के तुम्हें ऐसे मतलब फील होगा खुद से कि हाँ यार कुछ पढ़ा आज, अब मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगा, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, सीरियसली बोल रहा हूं। रीजन पता क्या है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आवर्स मैंने उस पर लगाए हैं ना तो बनता भी था वो लेक्चर, इतना अच्छा बनना, ठीक है। डिरिचले थ्योरम हमारे पास क्या होती है, मान लो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, ऐसा टाइप का इंटीग्रल आ गया, और इसका तो इस पे तो अलग से लेक्चर दे रखा है, अलग से कहीं पे भी नहीं है लेक्चर, लेकिन मैंने इसको इंपॉर्टेंट समझा और बनाया इस पे एक लेक्चर। तो ये लेक्चर में हमने क्या सीखा था लास्ट टाइम, मैं बता देता हूं कि अगर इंटीग्रेशन में कभी एक्स की पावर आ जाए बहुत सारी, की पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल और सबकी पावर भी दे रखी है, तो हम ये इंटीग्रेशन को सिंपल गामा में चेंज कर सकते हैं। बस याद रखना, मान लो इंटीग्रेशन है यहां पे dx dy dz है, x की पावर दे ही नहीं रखी तो क्या करेंगे भैया हम, तो ऐसे लिख लो ना, x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1, यहां पे भी तो माइनस 1 की टर्म्स में ही लिखना है, तो ये पहले वाला जो 1 है ये आ जाएगा m1 m2 m3, ऐसे निकालना होता है। इसका यूज क्या है ऑलरेडी बता चुका हूं, बस याद रखना डायरेक्ट ये चीज कभी भी यूज नहीं होती है, नहीं ये कंडीशन भी दी होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं दी है, तुम्हें एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर टाइप की दी हुई है, सी स्क्वायर ऐसा कोई, जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन टाइप की, इलिप्सॉइड की दी हुई है तुम्हें कंडीशन, तो पहले उसे हमें चेंज करना पड़ता था। भैया ये चेंज कैसे करते हैं, ऑलरेडी डन, आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच डीप इन द कॉन्सेप्ट्स। आई होप कि इंग्लिश का सेंटेंस अच्छा बन गया। ये भी अलग ही स्ट्रगल है वैसे, है ना। एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, ऊपर जो थ्योरम लिखी थी उसी की एक्सटेंशन है। अभी अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक्स की ही पावर आ रही थी, मान लो कोई फंक्शन भी आ गया, लेकिन वो फंक्शन क्या है, वो उसी कंडीशन से ही बना हुआ जो कंडीशन हमें स्टार्टिंग में दी हुई थी, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अप टू सोन लेस देन इक्वल टू वन, इसी कंडीशन पे ही हमारे पास एक फंक्शन भी दे रखा, तो सिंपली बड़ा आसान सा हो जाता है। ये फंक्शन चेंज होके क्या बन जाएगा, जैसे ऊपर लिखा था ना बिल्कुल सेम ही चीज है लगभग, बस इसमें नीचे क्या आ जाएगा, एल प्लस है, मतलब पावर का सम हो जाएगा। नीचे यहां पे क्या होता था, पावर को तो प्लस करते ही थे सबकी, और एक्स्ट्रा प्लस वन भी आता था, बस यहां पे एक्स्ट्रा प्लस वन नहीं आएगा, ठीक है, और अंदर ऐसी चीज बन जाएगी। और मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये जो चीज है ना, ये रिड्यूस होके बन जाती है बीटा इंटीग्रल, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीज बीटा इंटीग्रल, तो इसके लिए हमें बीटा इंटीग्रल आना चाहिए जो मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, ठीक है। चलो आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट सेगमेंट, विच इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। वॉल्यूम इंटीग्रल तो पता ही है ना, वो तीन ऐसे ऐसे दे देंगे और लिख देंगे dx dy dz ऐसे, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन हमारे पास उसके फॉर्मूला, मान लो तुमने एक सॉलिड को घुमाया अबाउट x एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला तुम्हें यहां पर दिख रहा है, v a b मतलब a से लेके b तक जितने भी पार्ट में तुमने घुमाया है x एक्सिस के अबाउट, मान लो ऐसे एक पैराबोला कोई घुमा दिया है, घूम के क्या बना देगा, पैराबोलॉइड बना देगा, तो उसका फॉर्मूला वॉल्यूम का कुछ ऐसे आएगा। अगर मान लो तुमसे y एक्सिस के अबाउट घुमा के और पूछ लें कि वॉल्यूम क्या है, तो उसके लिए y को x से रिप्लेस कर दो बस, तुम पैरामीट्रिक फॉर्म में तुम सिंपली dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दो। अगर तुम्हारे को x एक्सिस के अबाउट दे रखा, वो भी मैंने लिखा है, y एक्सिस के अबाउट भी लिखा, तो कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर कह दें, अगर r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से बैठ, लेकिन 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 हमें पता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में भैया x को लिख सकते हैं r cos थीटा, r cos थीटा, और y को लिख सकते हैं r sin थीटा। तो मैंने यही चीज यहां पे अप्लाई करके और तुम्हारे लिए लिखा है, ये देखो y को मैंने रिप्लेस कर दिया r sin थीटा, x को लिख दिया r cos थीटा, और बाकी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हें थीटा एज अ फंक्शन ऑफ r दिया होता, फिर तुम dr से मल्टीप्लाई dr से डिवाइड करते, फिर से x को r cos थीटा, y को r sin थीटा लिख सकते थे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉलिड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। मैंने यहाँ पे सिर्फ कार्टेशियन की बात की हुई है, लेकिन सारी चीजें जैसे पीछे लिखा था वैसे ही वैलिड यहां भी होगी। यहां भी आ सकता है पैरामीट्रिक, यहां पे भी आ सकता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। मेन चीज ध्यान देने वाली क्या है, जो सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या है, 2πy, और साथ में एक ds भी लगा हुआ है। ds क्या होता है, ये आर्क लेंथ होती है। ऐसा कुछ आर्क लेंथ भी मैं लेके आया था, लेट मी सी कहां पे गई, ये आर्क लेंथ, ये हमारे पास आर्क लेंथ था। आर्क लेंथ का ही फॉर्मूला यहां पे हमने रखा हुआ है, कहां गया, ये हमने वॉल्यूम इंटीग्रल भी बता दिया है तुम्हें, ठीक है। ये हमारे पास आर्क लेंथ जो अभी पीछे देखी थी ना, छोटी सी लेंथ हमारे पास है। अगर इंटीग्रेशन करता तो पूरी लेंथ भी आ जाती, बट अभी हम लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के फॉर्मूला के बारे में। तो पहले तुम्हें ds निकालना पड़ेगा अलग से, और फिर ये अलग से निकलेगा। इन पे पूरे डेडिकेटेड लेक्चर बनाए जा चुके हैं, और लास्टली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, बाकी के कंपैरिजन में तो काफी छोटा था। ODE के और इसके काफी छोटे लेक्चर बने, बाकी थोड़े बड़े बड़े थे, बट सारे चैप्टर सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। तो आई होप आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा और मजा भी आया होगा, कुछ सीखने को मिली होंगी चीजें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करते रहना कि मतलब तुम्हें सैटर्न से भी कोई देखे तो तुम दिख जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।